हीनो अशोक लेलैंड का इंजन है भाई, और ये गाड़ी ओवरहीट हो रहा है। ओवरहीट होने के कारण रेडिएटर से पानी यहाँ उबाल मार रहा है। इस कारण से हम लोग पहले थर्मल स्टोर्ड वाल्व खोल के चेक किए तो थर्मल स्टोर्ड वाल्व नहीं है। इस कारण से यहाँ से सर्कुलेशन सही है हमारा। और ये पाइप हम लोग चेक किए ये ब्लॉक रेडिएटर का पाइप है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको चेक कर लेंगे तो उसके बाद ये पाइप जैसे ब्लॉक रहेगा तो इस कारण से भी उबाल मारता है। तो उबाल मारने के कारण तो ये पाइप अभी हम लोग चेक किए, चेक करने से पूरा ओके है इसका सर्कुलेशन। अब इसके बाद हेड खोल के हेड गैस्किट चेक किया जाएगा। जैसे कि हेड खुल चुका है, हेड उठाने के बाद हम लोग गैस्किट इसका चेक कर रहे हैं, ये गैस्किट में कहाँ से लीकेज है। तो ये गैस्किट, ये रहा गैस्किट, आप ये देखिए यहाँ से लीकेज हो रहा है, यहाँ से ये गैस्किट भी हमारा गैस्किट से लीकेज है, इस कारण से पानी उबाल मार रहा था। तब हम ये गैस्किट हटा के उसका लाइनर भी चेक कर लेंगे। लाइनर हमारा सब सही है, लाइनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइनर बिल्कुल क्लीन है। उसके बाद इधर से गैस्किट हेड भी हम लोग का बिल्कुल क्लीन है। हेड को बस सफाई करके उसका फिट कर सकते हैं, उसके बाद हेड गैस्किट डाल देना है और कुछ नहीं।